नमस्कार, स्वागत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर में। जहां सुबह समाचार में इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे कैसे हुआ परीक्षा का पेपर लीक और इसको लेकर के बिहार में कैसे हुआ आरा में खूब धांधली। लालू प्रसाद यादव को लेकर आने वाली बड़ी खबर, बिहार में आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, इस वक्त की बड़ी और मुख्य समाचार सामने निकल कर आ रही है। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की रणनीतियों को मजबूत किया, सरकार बनाने के नए दावों को पेश करते हुए सरकार ने लगातार अपनी बाहुबली ताकत को दिखाया। इसके साथ बढ़ती मुश्किलें कांग्रेस की, नस्तनाबूद क्या 2024 में होगी, इसको लेकर बेहद बड़ी खबर। इसके साथ जी हां, अगर आप भी कार या तमाम वाहन खरीदने वाले हैं तो आज की इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा, क्योंकि महंगा होने जा रहा है वाहन। यहां भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे विवाद, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ साथ जी हां मगहिया जवान को लेकर के बेहद बड़ी खबर बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। सोने और चांदी के क्या है ताजा भाव, इसके साथ ही सोने की कीमत शादियों के मौसमों में कैसे मारा उछाल, देखिए वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ चंद्रग्रहण को लेकर आने वाली बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी बताया जाएगा। चंद्रग्रहण को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आई। साथ ही साथ संपूर्ण शराबबंदी कानून वाले इस बिहार के अंदर शराबबंदी कानून के लागू हुए और पालन ना कराए जाने को लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने आई। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कैसे थर्मल पावर प्लांट को लेकर के सरकार ने दिया बड़ा दिशा निर्देश। इसके साथ पप्पू यादव को लेकर के आने वाली बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। कहा बंद कमरों में दो नेताओं के मिलने से क्या कोई जाति और धर्म जी हां भुला सकता है क्या। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बताएंगे आज की बड़ी खबर में नीतीश कुमार ने कैसे बनाया नया रणनीति सरकार बनाने के साथ ही भाजपा को चेताने का आज बड़ा काम किया। जेडीयू के पुराने नेताओं से हुई बैठक। बिहार में बाढ़ को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। बिहार में बाढ़ आने को लेकर के महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट शामिल। महत्वपूर्ण खबरों को दिखाएंगे, उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार से। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन है प्रशांत किशोर, इस बयान के दिए जाने के बाद में बिहार के सियासत और पार्ले को गर्म तो होना तय है। लेकिन आज जी हां आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ लगातार शहर पर निकले हुए। इस दौरान वेस्ट बंगाल के एक मंदिर का फोटो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इस जी हां आपको बता दें कि मंदिर की क्या है काल्पनिक, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि लगातार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्रियता लालू प्रसाद यादव का परिवार दिखा रहा है और इन मामलों में ताकि राजनीतिक में कोई उठापटक हो उसके बीच में अपने आप की मजबूती बनाए रखने के लिए वो हर वक्त जो है तत्पर दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर कौन है, लगातार कुछ वक्त लगेगा, जनता के साथ जाइए, जनता का समर्थन पाइए, जनता का विश्वास जीतिए, तब जाकर आप एक नेता कहला सकते हैं। हालांकि रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर और इसको लेकर बेहद बड़ी खबर। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त जी हां आपको बता दें कि बिहार में लगातार महंगे हो रहे पेट्रोल और डीजल के रेटों को लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने आई। पेट्रोल और डीजल के रेट नए सिरे से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही लगातार आम जनता को इस बात से परेशानी है कि पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम कब किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल कुछ वक्त से रेट इतने ज़्यादा तेज़ी से उछाल पर हैं जिसे कम कर पाना मुश्किल है। वेट को कम करके सरकार ने जी हां गैर बीजेपी शासित सरकारों को, राज्य सरकारों को इस बात का दिशा निर्देश दिया गया था कि बैट को कम कर आप अपनी कीमत को कम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के बैट को कम नहीं किया गया। बिहार से लेकर के राजस्थान तक ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बैट को कम नहीं किया गया और पेट्रोल की कीमत लोगों को खून की आंसू अब चुलाने लगा है। यानी साफ तौर पर कहें तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेटों ने सरकार को चिंता का एक बड़ा पूंज दे दिया है जो सरकार से उठने से नहीं उठ रहा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जी आशुतोष कुमार को लेकर के। भूमिहार समाज के नेता माने जाने वाले आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव को आमंत्रित करते हुए परशुराम जयंती पर 3 तारीख को जी बापू सभागृह में बुलाया था। उस दौरान कहा था कि तेजस्वी यादव अगर एक कदम चलेंगे तो हम 5 कदम चलेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया था, कहा था कि ब्रह्मशी समाज बुद्धिमान समाज होता है जिसके पास बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं है, अगर यह चाहे और एक बार बेड़ा उठा ले तो बिहार से कई चीज़ों का सफड़ा साफ कर दिया जा सकता है। लेकिन
इसको लेकर के आज पप्पू यादव भी बयान दे चुके हैं। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों बता दें कि तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरने का दावा पेश करने वाले आशुतोष कुमार ने साफ तौर पर इस बात की जानकारी दे दी है कि अगर तेजस्वी यादव ने हाथ फैलाया है तो हम पूरी तरीके से पैदल उनके पास तक जाएंगे। और यही चीजें हैं जो कई लोगों को नागवार गुजर रही है, जो लोगों ने साफ तौर पर सरकार पर विरोध किया और सरकार से कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पूछ डाले। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है और इसका क्या कुछ निवारण निकाला जा सकता है। बेहद ही बड़ी खबर सामने आई, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान ने कहा, छोड़ो नीतीश कुमार जी, छोड़ो कुर्सी तो छोड़ो, क्योंकि आपके कुर्सी पर रहने से कई जगहों पर हुए अपराध और कई जगहों पर हुए लूटपाट को लेकर आज भी आपने किया ही क्या है, सिर्फ अपनी कुर्सियों को गर्म यहां से वहां और वहां से यहां आने के अलावा आपको आता ही क्या है। नीतीश कुमार पर सवाल करने वाले चिराग पासवान ने साफ तौर पर बता दिया कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बिहार का भ्रष्टाचार कुर्सी जब तक नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा मजबूत नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। इस बात की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के पुराने नेताओं के साथ किया बैठक, पुराने नेताओं से हुई मुलाकात को लेकर के अब चर्चा का बाजार में तेज हो गया है गर्माहट। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जेडीयू ने तमाम पुराने नेताओं से मुलाकात किया। पुराने नेताओं से मुलाकात में क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया जाने वाला है, या फिर ऐसा कहें कि क्या बिहार के सियासत में एक बार फिर से नए आवाम के लिखे जाने की खबरें आएंगी क्या, इस पर जेडीयू के आज हुई बैठक के बाद में धीरे धीरे ही साफ हो पाएगा। लेकिन कई राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इस पर नीतीश कुमार ने अपने सभी नेताओं के साथ कुछ बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे होंगे, जिस पर नीतीश कुमार को उन्होंने राय मसौदे कर समझा करके जानकारी दी होगी। बेहद बड़ी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही इस वक्त पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में महज दो लोग चाहते हैं कि वो इतिहास को पलट दें, लेकिन इतिहास पलटा नहीं जा सकता, इतिहास जिसने लिखा है इतिहास को पलटने के लिए नहीं लिखा। अगर तेजस्वी यादव इस बात की जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी ले लेनी चाहिए कि बिहार में भूमिहार से लेकर के ब्राह्मण समाजों पर किसने अपमान किया, किसने इन्हें प्रताड़ित किया और किसने इन्हें मरवाया, इस बात की जानकारी अगर आप ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर। पप्पू यादव के दिए गए बयान के बाद में बिहार का सियासी पारा अब गर्म होता हुआ नजर आया, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही इस वक्त की। जी आपके दादे कि लगातार अगर आपको भी बूस्टर डोज नहीं मिला तो अवश्य ले लें, बूस्टर डोज के तौर पर मिलने वाले वैक्सीनेशन के डोज आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। दरअसल दोस्तों बूस्टर डोज सभी लोगों को दिया जा रहा है और इसकी जानकारी खुद आपको दी जा रही है। लगातार स्वास्थ्य केंद्रों पर बूस्टर डोज की उपलब्ध मात्रा ने लोगों को देने के लिए दे दिया गया है, लेकिन फिलहाल कोई लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे, इसलिए आप अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, तीसरे बूस्टर डोज को अवश्य लगवा लें जिससे इम्यूनिटी होगी। रिफाइन की कीमत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंची, जहां एक बार फिर से रिफाइन ने नया उछाल प्राप्त कर लिया है। पहले ही रिफाइन की कीमत आसमान की ऊंचाइयों को छूती जा रही थी, लेकिन अब रूस से यूक्रेन के छिड़े युद्ध के बाद में आ रही बड़ी अपडेट के अनुसार एक बार फिर से जी हां लगातार रिफाइन की कीमत बढ़ सकती है। रिफाइन की कीमत थोक मार्केटों में 10 रुपये जबकि खुदरे मार्केटों में प्रति लीटर 10 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और रिफाइन की कीमत अगर यूं ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों की परेशानियों का सामना ऐसे ही करना पड़ सकता है। तो बेहद ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई, एलपीजी सिलेंडर की कीमत अगर आपने नहीं जानती है तो आप जान लीजिए, आज से महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, लगातार ईंधनों से महंगी कॉस्ट जो है वो देखे जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर हो या सीएनजी हो या पीएनजी हो, गैस सिलेंडर का कीमत लगातार बढ़ेगा और आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। इस बात की जानकारी आज दे दी गई क्योंकि लगातार अब पेट्रोल डीजल के बाद में एलपीजी सिलेंडर पर सरकार की पहली निगाहें हैं। कमर्शियल अब जी हाँ दिए जाने के बाद में लगातार अब घरेलू सिलेंडर पर भी कीमत को बढ़ा दिया गया, प्रति सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो काफी बड़ा अमाउंट होता है, और इसके साथ ही 50 रुपए एक आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। बड़ी खबर सामने आई,
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त। जी हाँ, आपको बता दें एक बार फिर से लगातार जी हाँ आसमानी बारिश से लोगों को हो सकते परेशानियां। बिहार में जबरदस्त बारिश और तेज हवाओं के साथ बर्फबारी भी पड़ने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी अपडेट के अनुसार लोगों को सतर्क रहने और घरों में बने रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने जारी अपडेट के अनुसार कहा कि एक बार फिर से जबरदस्त बारिश का असर देखने वाले हैं और यहाँ पर बिहार के विभिन्न हिस्से में होने वाले हैं। बिहार के लगभग 10 जिलों में बारिश के जबरदस्त झकोरे देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों के लिए काफी राहत की सब तस्वीरें भी होगी, क्योंकि गर्मी से राहत मिलेगी एक तरफ तो दूसरी तरफ लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है कि इससे कैसे निपटा जा सके। बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अगर आप भी रिजर्वेशन में सफर करने वाले हैं तो लगातार जी हाँ भीड़ भाड़ से बचकर जरूर रहें, क्योंकि कोरोना कभी भी हो सकता है। ट्रेनों में हो रहे भीड़ का नज़रअंदाज करना लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। बिहार के लगभग सभी जिलों में आने वाली ट्रेनों का हाल बेहाल है और दिल्ली से खास करके जो ट्रेनें आ रही हैं उसमें और ज़्यादा हाल बेहाल दिखाई दे रहा है। लगातार इस दौरान कई ऐसे मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से घर को लौटते हैं और साथ ही साथ इस दौरान उन्हें कोरोना संक्रमित भी हो सकता है। तो आप भी घर से बाहर निकलने से पहले कोरोना का इलाज जरूर कराएं और जांच जरूर कराएं। ITT न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। बने आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। आज कितना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।